जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत अच्छा वातावरण है, एकादशी का दिन है और हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। आपको बता दूं कि ब्रह्मा ने जब वेद लिख रहे थे या उच्चारण कर रहे थे, पहले तो केवल उच्चारण किया गया था। उस समय एकादशी के दिन गायत्री की उत्पत्ति हुई थी। तो आज तो बहुत शुभ सिद्ध दिन है। ये आश्रम के पीछे आप सामने आश्रम देख रहे हैं, ये आश्रम के पीछे पूरी तरह से गार्डन है, पंचवटी पेड़, बट वृक्ष, नीम, पीपल सभी के पेड़ हैं, पाकड़। और ये आप देख रहे हैं बेलपत्र, जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। ये सामने ये बहुत पुराना है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, आई मीन इट इज़ नॉट इन प्रोग्रेसिव कंडीशन। तो ये आप देख ही रहे हैं। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगला वीडियो मेरा जो आएगा वो हनुमान शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म में और हमारे ये संत भगवान टहल रहे हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है राम जी के साथ। और हनुमान जी कौन हैं यहाँ बता दें, वो शंकर भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, अवतार हैं, 11वें अवतार रुद्र अवतार, हनुमान जी को रुद्र अवतार के रूप में माना जाता है। तो मैं टहलते हुए इस विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ। और हनुमान का शब्द का जो अर्थ है वो आप देखेंगे कि हनुमान के जीवन में वो पूरी तरह परिलक्षित होता है। तो आप बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। हनुमान का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, यानी यू डिवाइड दिस वर्ड्स इन टू पार्ट्स, हनु और मान, हनु प्लस मान। हनु माने होता है समाप्त करना और मान माने होता है अहंकार। मतलब जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसने अहंकार को समाप्त कर दिया हो, वो है हनुमान। पिछले वीडियो में आपने देखा है सत और सत्य में क्या अंतर है। यहां हम थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे दें कि जब आपके अंदर सत गुण जागृत होगा, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे कि सत और सत्य में क्या अंतर है। तो सत क्या है ये बताया गया है कि सत प्रकृति का एक गुण है, यानी प्रकृति में तीन गुण होते हैं, तम, रज, सत। तो सत प्रकृति का तीन गुण है। तो जब आप साधना के द्वारा अपनी चेतना को विकसित करते हैं, ऐसा पिछले वीडियो में बताया हूं मैं, तो अंत में जाके आपके अंदर सत गुण जागृत होता है। और सत गुण जागृत होता है तो आपके अंदर ज्ञान घटता है, ज्ञान घटता है तो वैराग होता है, ये बताया गया है। तो ज्ञान घटने पर प्रायः लोगों में अहंकार आ जाता है, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, ये अहंकार आ जाता है। और अहंकार को जो समाप्त कर दे, यानी आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरी नॉलेज इज अवेलेबल, बट यू हैव नॉट प्राउड,
तो वो है हनुमान। अब ये हनुमान पोजीशन आपके बॉडी में, आपके शरीर में कहाँ और कब घटती है, इस विषय पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। वो आप जब कुंडली जागृत करते हैं तो आज्ञा चक्र तक, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक प्राकृतिक शक्ति ही जागृत होती है, परंतु जब आज्ञा चक्र से ऊपर आपकी चेतना जाती है, हाँ ये बताएं, प्राकृतिक शक्ति ही जागृत होती है आज्ञा चक्र तक, तो वो शक्ति पावर का लोगों को अहंकार हो जाता है। नाम नहीं लेंगे, व्यवहार में बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिनमें ऐसी जागरण हुआ है, किसी का अनहद जागृत रहा, किसी का कुछ जागृत रहा, किसी का आज्ञा। हमारे हरिद्वार में एक संत थे, आज्ञा चक्र जागृत, अब नहीं रहे वो। तो क्योंकि वो प्राकृतिक ही ऊर्जा है तो उनमें अहंकार भी था और वैभव तो आएगा ही, प्रकृति का मतलब ही है अष्ट सिद्धि नवनिधि, वो वैभव आएगा ही, वैभव युक्त रहे, सब साधन युक्त रहे। तो जब, कहने का तात्पर्य यह है कि आज्ञा चक्र तक जब आपके अंदर कुछ जागृत होता है तो अहंकार होने का पूरी संभावना रहती है। यानी जब आपके पास सब साधन और सब वैभव आ जाता है तो उसका अहंकार हो जाता है, सद्गुण में ज्ञान घटता है, ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है। यह सत्य है कि उसके अंदर वैराग होता है परंतु अहंकार होता है कि मैं ज्ञानी हूं। लेकिन जब आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार में आप जाएंगे, हन जिसका बीजाक्षर है हा, तो वहां फिर हन हो जाता है, यानी प्रकृति के सारे संसाधन वैभव का वो, या उसके प्रभाव को वो नष्ट कर देता है। तो वहां मान भी नहीं रहता, यानी सहस्रार में जब आप पहुंचेंगे, एक सूचना आपको दे दूं कि मेरा अगला वीडियो जो होगा वो होगा परिणाम अपने हाथ में नहीं है। परिणाम का मतलब रिजल्ट, अर्थात जो कार्य हम करते हैं वो, उसका जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है वो अपने हाथ में नहीं है। इस विषय पे अगला वीडियो आएगा और दूसरा वीडियो होगा कि सही साधना क्या है, हम साधना क्या करें, जो सही साधना क्या है इस विषय पे। अर्थात अगले दो वीडियो जो आएंगे वो ये होंगे कि नंबर एक, परिणाम अपने हाथ में नहीं है, परिणाम यानी रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, और दूसरा सही साधना क्या है। तो अगला वीडियो अवश्य देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखते हैं। तो अहंकार नष्ट होता है, इससे पहले तक अहंकार नहीं जाता। तो ये है हनुमान, हनुमान मीन्स सहस्रार, वो स्थित जहां अहंकार नष्ट हो जाए। प्रकृति का सबसे बड़ा अवगुण है अहंकार, तम में हो तब, रज में हो तब, सत में हो तब। सत में आपके पास वैराग होता है, यू आर नॉट अटैच्ड टू एनी पावर, एनी एक्सटर्नल थिंग्स, बट यू हैव प्राउड दैट यू हैव नॉलेज। ये सत की पोजीशन है। लेकिन जब आप सत्य में पहुंचते हो तो वहां सत नहीं होता, केवल सत्य होता है। सत्य यानी सहस्रार में जब आप पहुंचते हो तो वहां अहंकार नहीं होता और जो कुछ होता है केवल वो सत्य, सत्य चित आनंद। हमेशा आप आनंद में मस्त होते हो और वहां मान समाप्त हो जाता है, जो लॉस्ट अवगुण है,
प्रकृति का मान अहंकार वो समाप्त हो जाता है। तो ये है हनुमान। हनुमान यानी जहां अहंकार को नष्ट कर दिया जाए वो है हनुमान। पहले इससे पहले मैंने बताया कि अहंकार कहां समाप्त होता है, और जो अहंकार को नष्ट कर दे वो है हनुमान। तो आप देखेंगे कि 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। एक एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए कि एक मिशन पे हनुमान जी को भेजा जा रहा है। राम जी भेजते हैं किष्किंधा से। मिशन क्या है? मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है सीता की खोज और उनके साथ सुग्रीव, ऋक्षराज सभी रहते हैं। अंततः जब वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं तो जो टीम हनुमान, अंगद, जामवंत के साथ रहती है, जिसके लीडर अंगद होते हैं, हनुमान जी को मेन टारगेट दिया जाता है। राम जी उनको सीता का प्रतिबिंब वो अंगूठी भी देते हैं कि इसको आप सीता जी को दिखाएंगे तो सीता पहचान जाएंगी कि राम जी ने भेजा है। वो हनुमान जी के पास होता है, अंगद के पास भी नहीं होता और ऋक्षराज जामवंत के पास भी नहीं होता। यानी उस मिशन के मेन टारगेट जो सिद्ध किया है, बनाया है जिसको राम जी ने, वो है हनुमान। फिर भी अब इस परिस्थिति में जो मेन नियुक्त किया है, जबकि उस मिशन के जो हेड हैं वो हैं अंगद जी। अब राम जी सीता की अंगूठी हनुमान जी को दिए, हनुमान जी उस मिशन में गए और मेन टारगेट है सीता को खोज करना। अंततः वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। उस कथा से आप सब परिचित हैं कैसे पहुंचते हैं। बहुत सी परिस्थितियों को, नकारात्मक परिस्थितियों को झेलते हुए वो समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अब समुद्र के किनारे पहुंच के क्योंकि अंगद हेड हैं तो अंगद की मीटिंग करते हैं। सब मीटिंग में उपस्थित हैं, जामवंत भी हैं, अंगद भी हैं और भी जितने वानराज उनके साथ गए थे वो सब मीटिंग में बैठ के विचार कर रहे हैं। उन्हें ये बता दिया जाता है, ये पता हो जाता है, ये खोज हो जाती है कि समुद्र के उस पार श्रीलंका में सीता जी अशोक वाटिका में बैठे, यहाँ तक की जानकारी उनको मिल जाती है। विचार ये करना है कि इतने बड़े समुद्र को लांग के लंका कौन जा सकता है या कौन जाएगा। ये अंगद और जामवंत और भी सारे वानर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब कैसे किया जाए। हु इज एबल टू गो टू द श्रीलंका। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में और मेन प्रतीक राम जी ने हनुमान जी को दिया है अंगूठी, फिर भी हनुमान जी क्या कर रहे हैं? मीटिंग चल रही है, जामवंत जी देख रहे हैं, देखा तो बोले भाई इस मीटिंग में हनुमान जी नहीं है, कहाँ है? इतने मेन मिशन में, मेन टारगेट में, जबकि मेन उन्हीं को बनाया गया है कि सीता से वही मिलेंगे, राम जी ने उन्हीं को सारा टारगेट दिया है, फिर भी वो उस मेन प्रोसीजर में, मेन मीटिंग में नहीं है कि कौन कैसे जाएगा। जामन ने अंगद से पूछा, भाई हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंगद ने दो चार वानरों को लगाया कि भाई खोजो हनुमान जी को, हनुमान जी कहाँ हैं, वो कुछ बताएं। तो अंत में पता चला कि
कि हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठ के राम जी का आराम से भजन कर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं। वो राम, वो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप राम में अपना विचरण कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण वहां इतना सुंदर है, वो सोचे यहां भजन कर ले। देखिए इतने मेन मिशन पे, मेन टारगेट पे, मेन मीटिंग की जा रही है, फिर भी हनुमान जी मस्त है भगवत भजन में। जब उन्हें बताया गया कि हनुमान जी आप यहां बैठे हैं, अब साधारण बानरों की तो हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ बोलने की, फिर वो जामवंत को बताए आकर, जामवंत उठ और अंगद उठ के गए हनुमान जी के पास, बोले हनुमान जी आप यहां? कहे हाँ बताइए क्या करना है। तो बोले लंका जाना है भाई, और सब विचार विमर्श किए, सब अपनी अपनी कुछ न कुछ असमर्थता जाहिर किए हैं जाने के लिए, अंगद ने कुछ कहा, जामवंत ने कुछ कहा, तो एक आप ही बच रहे हैं, आप बताएं क्या किया जाए। बोले क्या करना है, हमें जाना है, हम जाएंगे। देखिए जब उनको याद दिलाया गया कि यू आर मैन ऑफ दिस मिशन, तब हनुमान जी रेडी हुए, हैं हमें क्या करना है, हम जाएंगे। और हनुमान जी गए, सीता का पता लगा के गए, फिर भी कोई अहंकार नहीं। अंत में वो राक्षसियां मिलती हैं दो, एक तो देवताओं द्वारा भेजी गई, उसको मां, उन दोनों को मां कह के बुला रहे, सोचो विनम्रता के साथ। एक कह रही मैं आपको खा जाऊंगी, हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे राम जी का कार्य करने दो, उसके बाद हम आएंगे, आप मुझे खा लेना। नहीं मानी तो उसको उस तरह से विनाशाचा दुष्कृताम, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, तो जब जाने की दुष्टता है, नहीं मान रही है, तो फिर उसका निवारण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के जीवन में अहंकार नाम का कोई, उन्हें अपनी शक्ति का भी नहीं है अहंकार। अष्ट सिद्धि नौ निधियां उनके पास हैं। सीता जी से कहते हैं माता जी मैं इसी समय आपको लेके चल सकता हूं, लेकिन इसमें राम जी का अपमान होगा, इसलिए मैं आपको अभी नहीं ले चलूंगा, और राम जी आएंगे, रावण को मारेंगे, चढ़ाई करेंगे, और उनके निमित्त होके आप जाएंगी, तो ये होगा कि राम जी ने सबका संहार किया। देखिए इतनी बड़ी पावर, और पता है कि हमारे पास कितनी बड़ी पावर है। मैं अभी भी लंका को दहन करके सीता को लेके जा सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति है। फिर वे बड़ी विनम्रता से सीता को समझा के आते हैं और राम जी को बताते हैं। राम जी फिर रावण पे चढ़ाई करते हैं श्रीलंका पे, और उसके बाद रावण को मार के सीता जी को ले जाते हैं, जिसमें राम जी का यश होता है। अब रावण, हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो कि जिसमें राम का यश हो। सीता से बोलते हैं माता जी आप दुखी हैं, ये बात सही है, मैं आपको लेके जा सकता हूं, ये भी बात सही है, लेकिन उसमें मुझे मेरा यश होगा, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे राम जी का यश चाहिए, तो थोड़ा सा धैर्य रख लें, मैं आता हूं। देखिए इतनी बड़ी पावर, अष्ट सिद्धि नौ निधि, वायु मार्ग से चलें, जल मार्ग से चलें, कहीं भी जाएं, छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, हल्के हो जाएं, फुल्के हो जाएं, हिमालय जैसे पर्वत को उठा लें, फिर भी अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। तो हनुमान क्या है, हनुमान का हनु धन मान, जहां अहंकार को खत्म कर दिया जाए वो है हनुमान। तो मैं समझता हूं आप लोग बहुत विवेकशील हैं। वीडियो 10-15-20 मिनट का होता है यूट्यूब पे, तो बहुत ज्यादा तो प्रवचन नहीं किया जा सकता। प्रवचन तो 2-2.5-3 घंटे 4 घंटे जब चलते हैं लगातार, तो पूरे डिटेल और पूरे एग्जाम्पल दे के हर बात समझाई जाती है। यहाँ शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि हनुमान
वो है जहाँ मान ना हो, जहाँ अहंकार ना हो। जो अहंकार को नष्ट कर दे वो है हनुमान। और ये पोजीशन आपके बॉडी में है और वो सहस्रार में है। सहस्रार आज्ञा चक्र ये है और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार है, और सहस्रार ही पोजीशन सच्चिदानंद है। सहस्रार की पोजीशन सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद अवस्था में अहंकार नष्ट हो जाता है। तो हनुमान क्या है? सच्चिदानंद है, जो हमेशा आनंद में रहे। तो ये है हनुमान का महत्व, हनुमान शब्द का अर्थ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय श्री राम। और फिर वही मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और हिंदी में कहें तो सदस्यता लिए हैं, ले लिए हैं, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और यदि नहीं लिए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हिंदी में चलाते हैं तो सदस्यता ले लिए हैं, सदस्यता ले ले ऐसा लिखा आता है, तो वहाँ क्लिक कर दें और उसके बाद घंटी बेल आइकन आता है, बेल आइकन ऑल पे लगा दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इस तरह से मेरे विचारों से अवगत हों। और अपने विचार से भी आप मुझे अवगत करा सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कमेंट में आप लिखें। और कमेंट में पढ़ के हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपके विचारों का उत्तर देंगे, या और कोई भी आपका तरफ से हमें सुझाव मिल देना चाहें तो मुझे आपका सुझाव सहस्र स्वीकार है। लाइक शेयर भी करिएगा वीडियो को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और ये प्राकृतिक आनंद आप देखिए।